अभी सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल ईश्वर टीवी को और देखिए वीडियोस सबसे पहले। आज भीष्म पितामह जी भगवान को निहार रहे हैं, निर्निमेश नयन से निरंतर निहारा, कन्हैया मुस्कुरा रहे हैं, कृष्ण को देखते देखते अपने प्राण को त्याग दिया। भीष्म जी का अंतिम संस्कार पांडवों ने किया और उसके बाद में भगवान गए हैं। भगवान बोले, अब बहुत समय हुआ, अब मैं द्वारकापुरी जाता हूँ। सब कोई द्वारकापुरी चले गए। भगवान कृष्ण द्वारका गए अर्जुन छोड़ने के लिए जाते हैं, और इधर राजा परीक्षित जी का जन्म होता है। राजा परीक्षित जी का जन्म होता है, जिस बालक का रक्षा कन्हैया ने माता उत्तरा के गर्भ पर किया था, वो बालक का जन्म हुआ। पांडव आज बड़े हर्षित हैं, सबको बुलाया, बड़े बड़े ऋषि मुनि आए, कुंडली बनाया। पांडवों ने पूछा कि हमारे बालक कैसा होगा, इसके जरा भविष्य बताइए। अब जैसे मुनियों ने देखा, कहने लगे, ये जो बालक है अत्यंत सुंदर स्वभाव का होगा, धनुर्विद्या में अर्जुन समान होगा। और उसके बाद शरणागत वत्सल में महाराज शिवी के समान होंगे। उसके बाद में मर्यादा में राम जी के समान होंगे। बस सभी गुण बताया। अंतिम में कहते, बस इस बालक के कुंडली में एक दोष है। कौन सा दोष? पांडव डर गए। तब मुनियों ने कहा कि इस बालक का मृत्यु तक्षक द्वारा होगा। अब क्या किया जाए, अत्यंत भयभीत तो हो गए। मुनियों ने कहा, डरने की आवश्यकता नहीं, जब श्राप लगेगा तो सुखदेव जी महाराज आएंगे, उनके द्वारा उपदेश इनको प्राप्त होगा, भगवत चरण को अवश्य प्राप्त करेंगे। अब शांति मिल गई। अब बालक धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। उस बालक का नाम रखा विष्णुरात। विष्णुरात का मतलब विष्णुना रातः इति विष्णुरात। जिस बालक का रक्षा भगवान विष्णु द्वारा, कृष्ण द्वारा हुआ, वो बालक विष्णुरात। परीक्षित प्रेम से पांडव ने रख दिया। परीक्षित नाम पांडवों ने दिया। परीतः इच्छति इति परीक्षित। जन्म लेने के बाद चारों ओर ढूंढ रहे थे। राजा परीक्षित का जैसा जन्म हुआ, बाहर आने के बाद वो अंदर, एक बार भगवान ने जब परीक्षित का रक्षा गर्भ में किया था ना, वही भगवान को बाहर ढूंढ रहे थे, चारों ओर देख रहे थे, इसलिए नाम परीक्षित रखा गया। बोलिए परीक्षित महाराज की जय हो। अर्जुन गए हुए बहुत समय हुआ, बहुत समय बाद अर्जुन आए, अत्यंत दुखी होकर के लौटे हैं, अत्यंत मलिन चेहरा। युधिष्ठिर जी ने पूछा, भैया क्या बात है, क्या आज आप इतने उदास क्यों हो? धनुर्विद्या में आपको किसी ने हरा दिया क्या? किसी ने आपका अपमान किया? क्या बात है? अब अर्जुन रोते हुए कहते हैं कि भैया, जिसके कारण हमने महाभारत जैसे युद्ध में विजयी प्राप्त की, वो कन्हैया हमें छोड़ के चले गए।